कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने राज्यसभा में कहा कि कोयला खदान आवंटन मामले की फाइलें गायब होने पर सीबीआई कर रही है मामले की जांच। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्रवाई हुई बाधित, लोकसभा की कार्रवाई में भी बार बार बाधा। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती है, देश इसे राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाता है। इस अवसर पर वीरभूमि स्थित उनके समाधि स्थल पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर आज दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड राज्यों में यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस शासित इन राज्यों ने अध्यादेश जारी होने के बाद खाद्य सुरक्षा योजना लागू करने की पहल की है। दिल्ली पुलिस आज नेपाल सीमा से गिरफ्तार आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को अदालत में पेश करेगी। पूछताछ के दौरान टुंडा ने पाकिस्तान में माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम और लश्कर ए तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के साथ अपने रिश्तों की बात कबूली थी। ओडिशा के रायगढ़ जिले में कल आयोजित हुई आखिरी ग्राम सभा में वेदांता के लिए नियमगिरी पहाड़ियों पर बॉक्साइट खनन को नहीं दी गई मंजूरी। सदस्यों का मानना है कि खनन से नियमगिरी पर उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार प्रभावित होंगे। शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में देखी गई भारी गिरावट, सेंसेक्स 326 अंक की गिरावट के साथ 17982 पर खुला। निफ्टी भी 92 अंक की गिरावट के साथ 5323 पर खुला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज के शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर की तुलना में रुपया 62 पैसे की गिरावट के साथ 63.75 रुपए पैसे प्रति डॉलर पर आ गया। कल कारोबार के दौरान रुपया 148 पैसे की गिरावट के साथ 63.13 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। मिस्र में सिनाई प्रायद्वीप में घात लगाकर किए गए हमले में 25 पुलिसकर्मी मारे गए। सुरक्षा बलों के अनुसार गजा सीमा पर रफा शहर के नजदीक दो बसों में जा रहे पुलिसकर्मियों पर सशस्त्र लोगों ने किया हमला। चीन के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी इलाके में आई भारी बाढ़ और बारिश के कारण लगभग 91 लोगों की हुई मौत, 111 लोग हुए घायल। सरकारी मीडिया के अनुसार बाढ़ग्रस्त इलाकों से 8 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर कर रही हैं मंगल की कामना।